और जब विस मीरस को यहाँ से ले जाने वाला ही था, तब विस मीरस को कहता है कि इट्स बैक टू द एंजल रैम विद यू। तो भाइयों, काफी लंबे वक्त से ही सबके मन में ये सवाल रहा है कि जिन 6 यूनिवर्सेस को ज़ेनो ने इरेज कर दिया था, उन 6 यूनिवर्सेस के एंजल्स कहाँ गए। अगर मीरस एक ट्रेनी एंजल है तो ट्रेनिंग शुरू होने से पहले भी वो कहीं ना कहीं जरूर रहता होगा। क्या मीरस की तरह ही और भी ऐसे एंजल्स मौजूद है, और वो 6 डीएक्टिवेटेड एंजल्स आज कहाँ और किस हालत में है। आज तक इस टॉपिक पर सारी डिस्कशन पॉसिबिलिटीज और अजम्पशंस के बेसिस पर की गई है। कोई पुख्ता सबूत और फैक्ट इस टॉपिक पर कभी नहीं किया गया कि आखिर वो 6 डीएक्टिवेटेड एंजल्स कहां पर हैं। लेकिन इस वीडियो में हम मेरी एक थ्योरी के साथ इसी सवाल का ब्रेकडाउन करेंगे प्योर फैक्ट्स और नॉलेज के साथ। तो सबसे पहले मैं अपनी थ्योरी ही बता देता हूं, और वो ये है कि इन 6 इरेज्ड यूनिवर्सेस के डीएक्टिवेटेड एंजल्स अपने होम प्लैनेट में हैं, जो कि मॉर्टल्स की दुनिया से अलग एक अलग दुनिया एंजल रैम में मौजूद है। और वहां ये एंजल्स अकेले ही नहीं है, बल्कि इनकी पूरी एंजल रेस इस दुनिया में रहती है, जिसका नाम है एंजल रैम। तो भाइयों, काफी साल पहले ज़ेनो सामा ने 18 में से 6 यूनिवर्सेस को इरेज कर दिया था। अब सभी फैंस हैरान होने लगे कि यूनिवर्स तो इरेज हो गए, लेकिन वहाँ के एंजल्स के साथ क्या हुआ होगा। मैंने अपनी एक रिसेंट वीडियो में 100% प्रूफ के साथ बताया था कि एंजल्स की अपनी एक दुनिया है अलग से, और विस ने खुद कहा था कि उसके होम प्लैनेट में 00 नाम की एक बर्ड रहती है। अभी फ्लैश हुए कार्ड से वो वीडियो देख के आइए, आप बहुत मेहनत से रिसर्च करके मैंने वो इन्फॉर्मेशन ढूंढी थी। अब देखो भाइयों, यूनिवर्सेस तो अभी 12 हैं, और 12 के 12 यूनिवर्सेस के एंजल्स अपने अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ मौजूद हैं। लेकिन फिर एक एंजल सबके सामने आता है, जो कि किसी भी यूनिवर्स का गाइड एंजल नहीं था, बल्कि एक ट्रेनी एंजल था, जिसका नाम है मीरस। दोस्तों, मीरस एंजल बनना सीख रहा था, लेकिन ये मीरस आया कहां से, और क्या मीरस की तरह ही और भी ट्रेनिंग एंजल्स हैं। देखो, मैं काफी लंबे वक्त से एंजल रैम और एंजल्स के होम प्लेनेट की थ्योरी के पीछे हाथ धो के पड़ चुका हूँ। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एंजल्स के होम प्लेनेट वाली थ्योरी वीडियो के बारे में बताया था, और मैंने एंजल रैम के होने के 100% सबूत अलग से इस वीडियो में भी दिए हैं। फ्लैश वे कार्ड से इसे भी देखिए। अब वापस आते हैं मेरी थ्योरी पर कि 6 डीएक्टिवेटेड एंजल्स आज एंजल रैम में कहीं मौजूद हैं, और इसे प्रूफ करने के लिए मेरे पास एक और फैक्ट है। तो याद करो, जब टाइम चेंबर में मीरस गोकू को ट्रेन करते करते खुद एंजल में बदलने वाला था, तब विस अचानक से आके मीरस को रोक देता है। और जब विस मीरस को यहाँ से ले जाने वाला ही था, तब विस मीरस को कहता है कि इट्स बैक टू द एंजल रैम विद यू, यानी कि अब मुझे तुम्हारे साथ वापस एंजल रैम जाना है। और मीरस कहता है यस, यानी कि विस मीरस को यहाँ से एंजल रैम ले जाने की बात कर रहा है। लेकिन विस मीरस को एंजल रैम में ग्रैंड प्रीस्ट के पास नहीं ले जाता, बल्कि मीरस के होम प्लेनेट पर ले जाता है। अब देखो, इसने मुझे भी कंफ्यूज किया कि यार, यहाँ पे तो विस ने कहा है कि इट्स बैक टू द एंजल रैम विद यू, लेकिन विस लेके जाता है मीरस को मीरस के प्लेनेट पर। तो एक पल के लिए मेरे दिमाग में भी आया कि यार, कहीं ये मीरस का प्लेनेट एंजल रैम में तो नहीं है। लेकिन फिर बाद में पता चला कि नहीं, जो ये मीरस का प्लेनेट है वो यूनिवर्स 7 में ही है, क्योंकि गोकू ने यार यहाँ से इंस्टेंट ट्रांसमिशन का भी यूज किया है। तो ये तो यूनिवर्स 7 में ही है। जरूर विस ने जो यहाँ पे कहा है ना कि इट्स बैक टू द एंजल रैम विद यू, उसका मतलब है कि चलो हम तुम्हें वापस एंजल रैम में ले जाते हैं, जहाँ पे तुम्हारा जो ये मॉर्टल की दुनिया में जो भी समय था, हम इसे खत्म करेंगे। लेकिन एंजल रैम जाने से पहले विस मीरस को बीरस के प्लेनेट पर ले गया, और फिर बीरस को भूख लगी तो वो लोग खाना खाने के लिए सबके सब यहाँ आ गए। उसके बाद क्या खिचड़ी पकी होगी, इसके बारे में अभी हमें नहीं पता। और ये बात खुद विस भी कहता है मीरस को कि शुक्र करो, मैं तुम्हें डायरेक्ट ग्रैंड प्रीस्ट के पास नहीं ले जा रहा हूँ। तो विस ने मीरस को कहा कि इट्स बैक टू द एंजल रैम विद यू, यानी कि मीरस भी एंजल रैम से ही आया है, चलो वापस एंजल रैम चलते हैं। इसका क्या मतलब है कि हम पहले एंजल रैम में ही थे ना, हम स्कूल से वापस घर आते हैं, इसका मतलब है कि हम पहले घर में थे, इसलिए वापस घर आ रहे हैं। तो यहाँ पर जब विस ने कहा कि लेट्स गो बैक टू द एंजल रैम, डेट मीन्स कि जो मीरस है वो पहले एंजल रैम में ही था, और मीरस एंजल रैम से ही आया है। ट्रेनिंग शुरू होने से पहले मीरस एंजल रैम में ही था, और अगर कोई और एंजल्स भी मौजूद है ना मीरस की तरह, तो वो भी
पक्का एंजल रैम में ही होंगे। और मौजूद तो मेरे भाइयों वो 6 डीएक्टिवेटेड एंजल्स भी हैं, और बिना अपने यूनिवर्स के वो 6 एंजल्स अगर कहीं मौजूद हो सकते हैं तो वो है एंजल रैम में मेरे भाइयों। जिस तरह मीरस को वापस एंजल रैम में ले जाने की बात हुई, उसी तरह वो जो 6 डीएक्टिवेट हुए होंगे एंजल्स, वो भी तो वापस एंजल रैम में ही गए होंगे ना, किसी 12 यूनिवर्स में तो रहने लगेंगे नहीं। अब देखो बात करते हैं करंट सिचुएशन की। मीरस मोरो के खिलाफ लड़ते लड़ते डिसअपीयर हो गया, इरेज हो गया। अब मेरे मन में यहाँ पर एक और ख्याल है कि मीरस शायद इरेज होके गायब होके वापस एंजल रैम लौट चुका हो। देखो अगर ऐसा है ना कि मीरस इरेज होने के बाद कहीं और टेलीपोर्ट हो चुका है, तो मैं श्योर हूँ कि अभी मीरस एंजल रैम में ही होगा जहाँ बाकी के 6 डीएक्टिवेटेड एंजल्स भी हैं। और ये भी हो सकता है कि एंड्रॉइड 17 की विश के बाद सभी यूनिवर्सेस लौट आए हों और वो 6 डीएक्टिवेटेड एंजल्स भी अपने अपने यूनिवर्स को लौट चुके हों। लेकिन एंड्रॉइड 17 की इस विश वाली थ्योरी की कोई कंफर्मेशन नहीं हुई है भाइयों, इसलिए जब तक ये कंफर्म नहीं होता मेरा मानना यही है कि वो 6 डीएक्टिवेटेड एंजल्स आज भी एंजल रैम में ही मौजूद हैं, जहां से सभी एंजल्स आए हैं, जहां से मीरस आया है, जहां से हर एक एंजल आता है। तो मीरस की मुलाकात जरूर इन 6 डीएक्टिवेटेड एंजल्स से भी हुई होगी अगर मीरस डिसअपीयर होने के बाद कहीं टेलीपोर्ट हुआ है। लेकिन अगर मीरस सच में मतलब खत्म हो चुका है, मर चुका है, वो इरेज होने के बाद आउट ऑफ एग्जिस्टेंस हो चुका है पूरा ही, तो फिर वापस से हमें अपने दिल को इसी के लिए रेडी करना पड़ेगा कि कुछ ऐसा करे गोकू कि मीरस वापस आ जाए। बट स्टिल आज की इस वीडियो का एम ये था कि हमें उन 6 इरेज्ड यूनिवर्सेस के 6 डीएक्टिवेटेड एंजल्स के बारे में भी सोचना है, क्योंकि इस मोरो आर्क में ही एंजल्स के सारे राज धीरे धीरे करके खुल रहे हैं। और एंजल्स की दुनिया का सबसे बड़ा राज सभी फैंस के दिल में यही है कि उन 6 इरेज्ड यूनिवर्सेस के 6 डीएक्टिवेटेड एंजल्स के साथ क्या हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि इस आर्क के खत्म होने तक हमें इस सवाल का भी जवाब मिल जाएगा। मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग तो जो वो इरेज्ड यूनिवर्सेस थे, जैसे ही वो इरेज हुए उनके एंजल्स डीएक्टिवेट हो गए और डीएक्टिवेटेड एंजल्स एंजल रैम को लौट चुके थे। तो आप बताओ आपको क्या लगता है इन 6 डीएक्टिवेटेड एंजल्स की थ्योरी के बारे में, क्या उनके एंजल रैम में होने वाली ये थ्योरी सच है या फिर आपके दिमाग में और भी आइडियाज हैं? नीचे कमेंट्स करके बताओ आपको क्या कहना है इस बारे में। और मेरे दूसरे चैनल लॉर्ड बीरस को भी सब्सक्राइब करो, जहां पर मैं सारा रिसोर्स मटेरियल डालूंगा जो भी मैं अपनी वीडियोस में यूज करता हूं। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आप सबको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सादर प्रणाम।